हेलो जाहिन दोस्तों, कैसे हो? आज लेकर रहे हो अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन क्लर्क नर्सिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। देख लीजिए, यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन मिलेगा जो आपका सभी के सभी पीबीआरसीआर में पूछा गया वही क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर से उठा कर लेकर आया हूँ इसी 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों, हर बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आपका आने वाला एग्जाम में जिस बंदा को 13 नवंबर या 15 जनवरी को एग्जाम है वहाँ पे 100% यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे चांस है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरह लीजिए इसी 15-20 क्वेश्चन को। और जिस बंदा हमारा चैनल में नया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह डेली के डेली क्वेश्चन मिलता रहेगा इसी चैनल में। तो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो दोस्तों, देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कानपुर सिटी बैंक ऑफ व्हिच रिवर। देख लीजिए, कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन वन को चुना, गंगा को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। देख लीजिए, विटामिन ई के रासायनिक नाम क्या है, बता दीजिए। जीके और जीएस दोनों ही मिल जाएगा, कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, विटामिन ई के रासायनिक नाम क्या है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन थ्री को चुना, टोकोफेरोल को चुना, उसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चुन लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नोट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, राष्ट्रीय जो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप ऑप्शन देखकर ही बता दिया, ऑप्शन टू होगा सही आंसर, हॉकी होगा सही आंसर, ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश इज। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध फसल, प्रधान फसल क्या नाम है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन थ्री को चुना, व्हीट को चुना, गेहूं को चुना, उसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। यहाँ पे और भी क्वेश्चन बनता है आपका, टी जो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है, यह है आसाम। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है, यह हो आपका कर्नाटका। बहुत ही अच्छा बात है, अच्छा तरह एक क्वेश्चन भी दिमाग में रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नॉन एज ब्राउन कोल। देख लीजिए, किसको भूरा कोयला रूप से जाना जाता है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, ये आपका 2019 में पूछा गया, नवंबर में आपका शायद एग्जाम हुआ था, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन थ्री को चुना, लिगानाइट को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। लिगानाइट को आपका ब्राउन कोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वोमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। देख लीजिए, भारत में पहले बार महिला मुख्यमंत्री कौन थे, बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन चुनिए, चार ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप ऑप्शन फोर को चुना, सुचिता कृपलानी को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन। देख लीजिए, आदमी दोबारा इस्तेमाल किया गया पहले जो धातु वो कौन थे, बता दीजिए। किस धातु के यूज किया गया था पहले बार। तो दोस्तों, चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे चारों ऑप्शन में आप ऑप्शन फोर को चुना, कॉपर को, तांबा को चुना, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हमारा एक ही बात है, इंडियन आर्मी का एग्जाम क्लियर करने का एक ही तरीका है, आप पिछले 5 ईयर का ओरिजिनल पेपर पढ़िए। आपका जितने भी एआरओ है ऑल इंडिया का, आपका एआरओ का ओरिजिनल आप 5 ईयर का पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन आपका आने वाला एग्जाम में 13 नवंबर या 15 जनवरी को एग्जाम होगा, वो सभी क्वेश्चन आपका पहले पूछा गया 15, 16, 17, 18, 19, 20 के अंदर पूछा गया, वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन 15 में पूछा जाता है वही क्वेश्चन 16 में रिपीट हो जाता है, जो क्वेश्चन 16 में पूछा जाता है वही क्वेश्चन आपका 17 में रिपीट हो जाता है। इसीलिए आप पिछले 5 ईयर का क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपका एग्जाम हमेशा के लिए अच्छा तरह क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हमारा टीम आपके लिए लेकर आया है 2020 से लेकर
2015 से लेकर 2020 के अंदर जितने भी ओरिजिनल पेपर हुआ वो हमारे पास है, आप चाहे तो खरीद सकते हो जस्ट 89 रुपया पेमेंट करके। आप अभी भी नहीं लिया तो ले लीजिए, और जो बंदा ले लिया बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए, आप बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए। ये PDF आपका 1500-1600 क्वेश्चन हो जाएगा आपका ERO का, चाहे आप कोई भी ERO से हो, ERO श्रीनगर, ERO जम्मू, ERO कोयम्बटोर, ERO सिकंदराबाद, हैदराबाद, ERO मंगलुरु, ERO कोई भी है, बैरकपुर, कलकत्ता, बहरमपुर, सिलीगुड़ी, कोई भी ERO से हो सभी ERO का मिल जाएगा, मीरठ, लखनऊ, नागपुर, महाराष्ट्र का सभी ERO का मिल जाएगा। जरूर डिस्क्रिप्शन में नंबर है और नंबर तो देख लिया, इसी नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हो। तो दोस्तों मैं PDF दिखा देता हूँ किस तरह है। तो दोस्तों देख लीजिए, ये आपका ERO गुंटूर है जो आंध्र प्रदेश में पड़ती है, देख लीजिए ये ट्रेडमैन का है। तो दोस्तों हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा बात है, जस्ट 89 रुपया में मिल जाएगा 5 ईयर का क्वेश्चन, चाहे ERO गुंटूर से हो चाहे आप ERO विशाखापट्टनम, सभी ERO का ही मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसी नंबर पर कॉल करके पेमेंट प्रोसेस सभी जानकारी ले लीजिए। जस्ट 89 रुपया में 5 ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा। अब तो 300-400 रुपया का जो बुक खरीद कर पढ़ते हो वहाँ से भी अच्छा होगा, लेकिन हमारा ये PDF लेकर अच्छा तरह पढ़ लीजिए, यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए किस तरह क्वेश्चन पूछा गया, मैं बता देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप पढ़कर जाएगा तो आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर ले लीजिए और अच्छा तरह पढ़ के आप 13 नवंबर या 15 जनवरी को एग्जाम को दे दीजिए। तो दोस्तों इसी नंबर पे कॉल करना होगा, जरूर कॉल करके ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया, देख लीजिए भारत का कितने आधिकारिक भाषा है बता दीजिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन 2 को चुना 22 होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है बता दीजिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर चुन दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे तो ऑप्शन देखकर ही बता दिया, ऑप्शन 2 होगा सही आंसर, लोहे, आयरन होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है बता दीजिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन 1 को चुना, न्यूयॉर्क को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत सेकेंड बैटल हुई चेयर, देख लीजिए पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था बता दीजिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा तरह एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 16 अक्टूबर में आपका युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इसीलिए PBRCR में जो युद्ध पूछा गया वही युद्ध का दे दिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन 4 को चुना, 1556 को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकटोक लेक लोकेटेड विच स्टेट इन इंडिया, देख लीजिए लोकटोक झील कौन से राज्य में स्थित है बता दीजिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन 3 को चुना, मणिपुर को चुना, उसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों हम कितने बार बता रहा हूँ, आप ओरिजिनल पेपर PBRCR 5 ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन का जो PDF है वो अच्छा तरह पढ़ के जाओ, आपका एग्जाम वहीं से क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे लेकिन आता बहुत कम, लेकिन हमारा वो PDF पढ़ लिया तो आपका एग्जाम 1200-1300 क्वेश्चन हो जाएगा, GK GS और मैथ रीजनिंग सभी कुल मिला के आपका 1500-1600 क्वेश्चन हो जाएगा, वो आप अच्छा तरह पढ़ के जाओ एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जस्ट 89 रुपया बहुत ज्यादा कीमत नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटोक झील कौन से राज्य में स्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, मणिपुर में स्थित है लोकटोक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द विंग्स ऑफ फायर, देख लीजिए विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है बता दीजिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों 4 ऑप्शन में आप ऑप्शन 3 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो APJ अब्दुल कलाम होगा सही आंसर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सुगर कैन यील्ड, देख लीजिए गन्ने का रस से क्या मिलता है, वह तो आसानी क्वेश्चन है आपका, 18 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे तो ऑप्शन देखकर ही बता देगा, और सुगर कैन के जो मिलता है वो सुगर चीनी मिलता है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड विच स्टेट, देख लीजिए
तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन से राज्य में स्थित है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदे ऑप्शन टू को चुना, महाराष्ट्र को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेमस फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र, देख लीजिए महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध नृत्य क्या है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदे ऑप्शन वन को चुना, लाबनी को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। कथकली जो केरल का नृत्य है, कथक जो आपका उत्तर प्रदेश का, भरतनाट्यम जो आपका तमिलनाडु का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है चार ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, देख लीजिए विद्युत क्षमता का जो एसआई इकाई क्या है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन फोर को चुना, वोल्ट को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर डैम लोकेटेड हुई चीर रिवर, देख लीजिए नागार्जुन सागर बांध स्थित है कौन से नदी में बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन टू को चुना, नागार्जुन सागर डैम जो आपका कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है, ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड फास्ट ट्रेवल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, देख लीजिए ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन ए को चुना, स्टील को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि कठिन में सबसे तेज चलती है साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ कॉपर, देख लीजिए तांबा का सबसे महत्वपूर्ण आयस्क क्या है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सब सही आंसर चुन दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन थ्री को चुना, चालको पाइराइट होगा सही आंसर, तांबा पाइराइट होगा सही आंसर, ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन आप चाहिए और एक बार अच्छा तरह देखकर समझ ले सकते हो, कोई बात नहीं है। और जिस बंदा अभी तक हमारा ओरिजिनल पेपर नहीं लिया, जरूर डिस्क्रिप्शन में नंबर है और नंबर तो देख लिया, जस्ट 89 रुपया में आपका नौकरी मिल जाएगा, आपका पिता माता का नाम रोशन होगा, बहुत ही अच्छा बात है। क्या बात है, आप नौकरी मिल जाएगा तब समझ आ जाएगा, इसीलिए बहुत ही बच्चे टेंशन करते हो उसका एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, इसीलिए जरूर डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसी नंबर पे कॉल करके आप 5 ईयर का क्वेश्चन ले लीजिए, किस तरह पूछा गया वो भी जानकारी मिल जाएगा और वही क्वेश्चन आपका रिपीट होगा, ऐसे चांस है, बहुत ही अच्छा चांस है। तो दोस्तों जरूर जाकर ले लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।